दोस्तों संडे स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे 90s के मशहूर एक्टर की जिनका नाम है गोविंदा, जिनकी फिल्मों को देखने के लिए हर कोई एक्साइटेड हुआ करता था और उनके डांस मूव्स सभी के दिलों को जीत लिया करते थे। उनकी एक्टिंग स्किल्स में जो बात थी आज तक कोई नहीं भुला पाया है। और जहां डांसिंग से लेकर एक्टिंग से लेकर उन्होंने एक्शन भी काफी किए हैं। तो आपको बताया कि आज 90s के हीरो गोविंदा ने अब तक 6 ऐसी फिल्में दी है जो सभी के जहन में है, जो आज भी लोगों को याद है और आज भी टीवी स्क्रीन पर उन फिल्मों को देखकर सब एंजॉय करते हैं और आज भी गोविंदा को याद करते हैं। गोविंदा आज भले ही फिल्म इंडस्ट्री में ज्यादा नजर नहीं आते हो, लेकिन उनकी पहले की ही फिल्म इतनी धमाल मचा चुकी है और आज भी जब भी टीवी स्क्रीन पर इनकी फिल्में आती है तो लोग चुपचाप बैठकर उनकी फिल्म जरूर देखते हैं। उनकी कॉमेडी से लेकर उनके एक्शन से लेकर उनके डांस मूव्स हर किसी को बहुत पसंद है। दोस्तों कूली नंबर 1 गोविंदा की कॉमेडी मसाला पिक्चर थी। ये फिल्म साल 1995 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की लिस्ट में 6 नंबर पर थी। और नंबर 2 की बात करते हैं, इस पर आती है साजन चले ससुराल। कॉमेडी और रोमांस के तड़के के साथ बनी फिल्म साजन चले ससुराल को खूब पसंद किया गया। ये फिल्म उस साल की 4th सबसे ज्यादा कमाई करने वाली पिक्चर बनी। और 3rd नंबर की बात करते हैं, इसमें आती है दीवाना मस्ताना। गोविंदा, अनिल कपूर और जूही चावला ने इस फिल्म में दीवाना मस्ताना में साथ काम किया था। इस फिल्म ने छप्पड़ फाड़ कारोबार किया था और लोगों को बहुत एंटरटेन किया था। नंबर 4 की बात करते हैं, बड़े मियां छोटे मियां। गोविंदा और अमिताभ बच्चन की फिल्म बड़े मियां छोटे मियां जब रिलीज हुई तो उसने कई रिकॉर्ड तोड़ डाले। 1998 की ये 4th सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। भले ही आज बड़े मियां छोटे मियां को सिल्वर स्क्रीन पर हमने एंजॉय नहीं किया है, अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की केमिस्ट्री को एंजॉय भले ही ना किया हो, लेकिन गोविंदा और अमिताभ बच्चन की केमिस्ट्री आज भी सभी को याद है। और वही 5वें नंबर पर आती है दूल्हे राजा, रोमांटिक कॉमेडी फिल्म दूल्हे राजा। साल 1998 में रिलीज हुई थी ये फिल्म। कमाई के मामले में उस साल 9वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली पिक्चर बनी थी। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट, हसीना मान जाएगी। गोविंदा, संजय दत्त, करिश्मा कपूर और पूजा बत्रा स्टारर हसीना मान जाएगी ने खूब कमाई की भी थी। इन सभी फिल्मों को लगभग डेविड धवन ने ही डायरेक्ट किया है। दोस्तों क्या आप गोविंदा को पसंद करते हैं? तो दोस्तों आप जरूर कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा कि गोविंदा की कौन सी फिल्म आपने देखी है और आपको पसंद है, जरूर बताइएगा। हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे और वहां पर रिप्लाई भी जरूर करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिएगा इजाजत। बाय बाय एंड टेक केयर।